हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। जैसे आप सब जानते हैं कि अभी रिसेंटली एक बिज़नेस बहुत पॉपुलर हो रहा है और जो मैं काफ़ी 10 साल से ऊपर हो गया मुझे करते हुए, वो है जस्ट लाइक कॉरपोरेट ऑफिसेज वगैरह में, हॉस्पिटल्स में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स, बार्स एंड ऑल में हाउसकीपिंग मटेरियल सप्लाई का, जिसमें सिर्फ हाउसकीपिंग मटेरियल ही नहीं आता, आप स्टेशनरी भी उसमें ऐड कर सकते हैं, डिस्पोजल आइटम्स भी ऐड कर सकते हैं और भी काफ़ी सारे मटेरियल्स होते हैं जो आपके जिस पर्टिकुलर ऑफिस में आप जाते हैं मीटिंग करने के लिए तो वहाँ पे वो यूज़ होते हैं, उसे आप सप्लाई करके एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैं तो देखिए मल्टीपल आइटम सप्लाई करता हूँ और मुझे मोर देन 10 ईयर्स हो गए हैं इस बिज़नेस में, तो आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो उस चीज़ में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं श्योरली आपको रिप्लाई करूँगा उस पर। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि हाउसकीपिंग बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें। देखिए, हाउसकीपिंग बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए ना आपको जनरली क्लाइंट्स चाहिए। क्लाइंट्स कैसे आते हैं, उसके दो तरीके होते हैं जो प्रॉपरली होते हैं, बाकी तो लोग बताते हैं उल्टा सीधा, बट दो तरीके मैं आपको जो बताता हूँ एक्चुअल वर्क करते हैं। एक होता है किसी की रेफरेंस से जाना और दूसरा होता है अपनी खुद की मार्केटिंग। अब मैं तो इसी पर बिलीव करता हूँ और इसी से अपना बिज़नेस चलाता हूँ और अच्छा बिज़नेस चल रहा है, ऊपर वाले की कृपा है। देखिए, अब कोई आपका फ्रेंड से आपको रेफरेंस करता है कि भाई इस बंदे से मिल ले, परचेज वाले से मिल ले, स्टोर वाले से मिल ले, आप मीटिंग करने जाते हैं, फिर उस बंदे को आप समझिए और बोलने का मौका उसको दीजिए। जब उसकी बात ख़त्म हो जाए उसके बाद आप बोलिए। अब आप कहेंगे कि हम उससे ऑर्डर कैसे निकालें, तो भाई ऑर्डर निकालने के लिए तो सबसे पहले आपको पहले उसका डिमांड समझिए कि उसकी डिमांड क्या है। सबसे ज़रूरी बात, उसका पेमेंट सिस्टम कैसा है, कितने दिन में वो पेमेंट करती है। अगर 30 दिन कह रही है तो 45 दिन में तो नॉर्मल कंपनी करेगी, 45 दिन कह रही है तो 2 महीने में करेगी करेगी, ये नॉर्मल मार्केट में चलता है, डरने वाली बात नहीं है। PO के ऊपर काम करेंगे तो आपकी श्योरिटी होगी कि आपकी पेमेंट मिल जाएगी और आपका ऑर्डर कहीं नहीं जा रहा, तो PO के ऊपर बेसिकली फोकस रखिए कि आपको PA मिल जाए। सेकेंड थिंग, जब आप उनका ऑर्डर के लिए जाते हैं और देखते हैं कि उन्हें ये रिक्वायरमेंट है, सपोज़ आप सिर्फ हाउसकीपिंग बिज़नेस पर फोकस करिए, हाउसकीपिंग बिज़नेस में जाते हैं, हाउसकीपिंग बिज़नेस में क्या आता है, क्लीनिंग केमिकल सबसे ज़्यादा लगते हैं, टिश्यू पेपर्स लगते हैं, गार्बेज बैग लगते हैं और इक्विपमेंट लगते हैं। ओके, अब हम पर्टिकुलर केमिकल्स की बात कर लेते हैं, तो वो आप जाके ये देखिए कि कौन सा केमिकल वो यूज़ कर रहा है। आपको केमिकल्स की नॉलेज नहीं है तो उसके ऊपर मैं दोबारा वीडियोस बनाऊंगा कि कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, कितने स्टैंडर्ड होते हैं और क्या रेट के बीच में वो वेरी करते हैं और कितना मार्जिन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अब उसके केमिकल्स वगैरह देख लीजिए। अगर आपको थोड़ी सी भी हिचकिचाहट है कि यार ये मैं सही नहीं दे पाऊँगा तो नहीं दे पाऊँगा, तो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। आप ये बोलिए, सर मैंने आपकी प्रोडक्ट देख ली है या आप मुझे एक बार प्रोडक्ट दिखा दीजिए, आप क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। उसके प्रोडक्ट देखने के बाद आप उसको सीधा बोलिए, सर मैं आपको ना बेस्ट कोटेशन मार्केट से चस्सू से एकदम उसके माइंड में ये डालिए कि आप उसके लिए ना उसका फ़ायदा करा रहे हैं, मार्केट में रेट एकदम बेस्ट दे रहे हैं, आपको चीज़ अच्छी मिलेगी। और ऊपर से मैं तो ये भी बोल देता हूँ जनरली, सर आपको किसी भी प्रोडक्ट में अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे खुला वापस दे देना, मैं खुला वापस ले लूँगा, 90% कोई वापस नहीं करता, और अगर कर भी लेता है तो मैं उसे घर ला के यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, उसमें कोई वो ख़राब बात नहीं है। तो आप प्रोडक्ट देख लिया, उसके बाद आप मार्केट में देखिए आप उसे किस किस चीज़ में सस्ता दे सकते हैं। ऐसा भी होता है कि कई चीज़ों में आप रेट टू रेट दें या लॉस से दें, लेकिन अगर 2 आइटम में आप रेट टू रेट दे रहे हैं या लॉस से दे रहे हैं, बाकी 8 में कमा रहे हैं, तो ओवरऑल वो प्रॉफिट निकल आता है। तो 1-2 आइटम के ऊपर मत जाइएगा कि इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा या फ़ायदा नहीं है करने का, करिए, ज़रूर करिए। अब जस्ट लाइक टिश्यू पेपर्स हो गया, टिश्यू पेपर्स में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, केमिकल्स में दुनिया भर के ब्रांड्स हैं, इक्विपमेंट कहाँ से सस्ता मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो आप उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कमीशन, जो आजकल बहुत चलता है, वो आपको क्लाइंट को देख के ऑन द स्पॉट कुछ जज नहीं करना उसे, और उस चीज़ को कि क्लाइंट को कब ऑफ़र करना है कब नहीं ऑफ़र करना है वो आपको मौका देखना पड़ेगा। अब आते हैं कि क्लाइंट आपको ऑर्डर क्यों देगा। तो सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि क्लाइंट को आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको क्लाइंट की ज़रूरत है, बट आपको ये चीज़ शो नहीं होने देनी। आप ये जाके बताइए, सर मैं ऑलरेडी, अगर मान लीजिए आप स्टार्ट पहले से स्टार्ट अभी स्टार्ट किया है, तो आप बिल्कुल सच मत बोलिए, सर मेरा पहला ऑर्डर है, कभी मत बोलिएगा ये।
ये बताइए, मैं ऑलरेडी इतने टाइम से कर रहा हूँ, कुछ बता दीजिए एक दो क्लाइंट वगैरह, बाकी नॉलेज मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। अब उसको आप कोटेशन देंगे तो ऑन द स्पॉट ऑर्डर आने की उम्मीद कभी मत रखिएगा, टाइम लगता है हर चीज़ों में, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि क्लाइंट को कैसे हम सामने वाले कंपनी को कैसे अपना क्लाइंट बनाते हैं। तब तक के लिए आप प्लीज़ वीडियो से जुड़े रहिएगा, कमेंट में अपने सवाल पूछिए, मैं ज़रूर उसे रिप्लाई करूँगा, और लाइक बटन जिसका होगा उसी को रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।